आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से लगातार विवादों में है और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ में लोग इस फिल्म के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म के पोस्टर की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आम हो या खास, सभी इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में बैन करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सूबे के मुखिया भूपेश बघेल से इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, फिल्म आदि पुरुष जो रामायण पर आधारित है, जिसमें हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, माता जानकी, वीर हनुमान और अन्य चरित्रों का फिल्मांकन जिस तरीके से किया गया है, पात्रों के मुंह से जिस प्रकार के भद्दे डायलॉग्स बोले गए हैं, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आशा करती हूं कि श्रीराम के ननिहाल में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की जल्द ही आदेश करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म को लोग देखने ही न जाएं। देखना जबरदस्ती है क्या? भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, उसे देखने न जाएं। सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए। इस तरह से जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके मुख से इस प्रकार के शब्द बुलवाना उचित बात नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो पहली बात तो ये है कि जो सेंसर बोर्ड, उसे देखना चाहिए था कि इस प्रकार से जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उसके मुख से इस प्रकार के शब्दों का बुलवाना कोई उचित बात है? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल इस फिल्म के डायलॉग्स पर आपत्ति जता चुके हैं। छत्तीसगढ़ श्रीराम का ननिहाल है, यहाँ राम को भांचा राम कहा जाता है। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद से छत्तीसगढ़ में आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग अलग अलग संगठन कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में शनिवार को कला एवं साहित्य मंच के लोग थिएटर के सामने पहुंचे और नारेबाजी कर फिल्म बैन करने की मांग करने लगे। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी विरोध कर इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है।